गाइज, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लिविंग लाइफ विद स्नेहा। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम इंटरेस्टिंग टिप्स फॉर शॉर्ट हाइट गर्ल्स। सो आफ्टर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड स्टेप्स, माई लाइफ चेंज अ लॉट बिकॉज आई एम जस्ट 5 फिट। सो आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों की भी लाइफ चेंज हो जाए, तो आप लोग भी इस ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट, आप भी फॉलो कर सकते हो। सो आप लोग इस ट्रिक्स को फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल मेरे वीडियोस को स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड दोज वन यू इन माय चैनल, प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में। एंड प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। सो बिना देरी करते हुए, बिना ज़्यादा बोले हुए, लेट गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी, दिस वन इज़ माई फर्स्ट लुक। एंड यहाँ पर मैंने एक जीन्स के साथ एक प्लेन टॉप को वेयर किया है। एंड आप भी इसी तरीके से अपने थोड़े से लोअर से हल्का सा ऊपर वेस्ट पे पहन सकते हैं। और प्लेन टॉप्स बहुत अच्छा जाता है किसी भी जीन्स के साथ, किसी भी कलर के जीन्स के साथ। आप थोड़ा डार्क कलर का प्लेन ये टॉप पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ना अपने टी शर्ट को टकिंग करके रखा है। सो टकिंग करके रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लुक अच्छा आ जाता है। एंड आप देख सकते हो, नेक्स्ट है ये मेरा सेकंड लुक जो कि है जंपसूट। मैंने थोड़ा सा फ्लावर प्रिंट का जंपसूट लिया है और उसको मैं बेल्ट के साथ वेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो बेल्ट के साथ वेयर करना तो आप कर सकते हो, इट लुक्स ग्रेट। एंड अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि मैंने अपने अपर वेस्ट पे इस तरीके से बेल्ट लगाया है। एंड मैंने बेल्ट को भी साइड से निकाला है, जैसे कि आप देखोगे अभी। ये देखो, यहाँ पे मैंने बेल्ट को अंदर से लेकर के फिर निकाला है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लुक क्रिएट कर देता है। एक अलग ही अपना एक आपका लुक क्रिएट कर देगा। और थोड़ा सा इस तरीके का ड्रेस कभी कभार लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवी टाइप का, बहुत जिसमें हेवी लुक देता है, बट नहीं, इस तरीके से आप पहनोगे तो ये आपको स्मार्ट लुक भी देगा। और आप देख सकते हो लाइट कलर, एकदम ब्राइट कलर है मेरा। और इस तरीके से आप इसको वेयर करोगे तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। एंड आप इसको किसी भी स्नीकर्स या शूज़ के साथ कैरी कर सकते हो विथ पोनीटेल। अगर आप चाहते हो कि मैं इस ड्रेस पे एक लुक क्रिएट करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, मेरा थर्ड लुक जो है वो है ये पैंट के साथ। आपने देखा है कि मैं इस तरीके का पैंट्स मैंने लोअर वेस्ट पे नहीं, थोड़ा अपर वेस्ट पे पहना। अगर आप अपर वेस्ट पे इस तरीके का पैंट को किसी भी टी शर्ट से या टॉप के साथ कैरी करोगे तो ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट होगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखना। सो ये देख सकते हो, इस तरीके के पैंट्स अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। और कोई भी डार्क कलर के टॉप के साथ आप इसको कैरी करो, लाइट कलर का पैंट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कैरी किया था। नाउ नेक्स्ट लुक इज़ मैंने ये शॉर्ट कुर्ता जीन्स के साथ वेयर किया है। आजकल कुर्ता एंड जीन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, स्पेशली जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए, जो ऑफिस जाती हैं उनके लिए ये लुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप कोई सा भी कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता लो और उसको किसी भी जीन्स के साथ, डार्क कलर का जीन्स के साथ कैरी करो या लाइट कलर का जीन्स के साथ कैरी करो, डार्क कलर का कुर्ता, बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने येलो के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसको मैंने नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है सो दैट कि मेरे एंकल एंड से थोड़ा ऊपर ये जीन्स दिखे। आप चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। एंड इसको किसी भी शूज़ के साथ या फिर जूती के साथ कैरी कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत देगा। आप अगर चाहो तो इस पर भी मैं एक लुक क्रिएट करके आपको दिखला सकती हूँ ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए। एंड नॉर्मल भी आप कहीं बाहर निकल रहे हो तो इस तरीके का लुक कैरी कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। नाउ माय फोर्थ लुक इज़ ये थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक भी हो रहा है थोड़ा सा। सो मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना है विथ ब्लैक प्लेन पैंट। और इस तरीके के पैंट्स बहुत इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल, और एकदम ये प्लेन पैंट्स हैं और एकदम अच्छी सी टाइट फिटिंग वाली पैंट है। आप चाहो तो इस तरीके के पैंट्स पे क्रॉप टॉप कैरी कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा शॉर्ट क्रॉप टॉप भी कैरी कर सकते हो। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने थोड़ा अपर वेस्ट पे ही अपने पैंट को कैरी किया है। सो आप अगर शॉर्ट हाइट गर्ल्स हो, अगर थोड़ा अपर वेस्ट पे अपने पैंट्स को कैरी करती हैं या जीन्स को कैरी करेंगी ना, तो उससे थोड़ा सा लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है।
सो ये वाला भी लुक आप ट्राई कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खूबसूरत डार्क कलर का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक 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 एंड वाइट। सो ये भी बहुत अच्छा लुक है। नाउ माय फोर्थ लुक इज़ लाइक कैजुअल। आप कहीं पे भी अप डाउन कर रहे हो बाहर अंदर तो आप इसको कैरी कर सकते हो। और इसको भी मैंने अपर वेस्ट पे पहना, मैंने लोअर वेस्ट पे भी आपको पहन के दिखलाया, तो वो उससे और इससे आप अंतर यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। सो इस तरीके से भी मैंने यहाँ पे ये ट्राउज़र पहना है। आप इस तरीके के लाइनिंग वाले बटन्स वाले ट्राउज़र आजकल बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं या ऑनलाइन शॉपिंग में भी अवेलेबल है। आप किसी भी टी शर्ट के साथ कैरी करो। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं टी शर्ट्स ही पहनूँ, बिकॉज उसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल फील भी होते हैं। आप चाहो तो आप इसको टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हो, बट टी शर्ट्स के साथ इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। एंड इस पर भी आपको स्नीकर्स या शूज़ पहन करके इसको मज़े से कैरी कर सकते हो। सो ये था मेरा आज का लुक फुल, एंड पसंद आया होगा आपको। सो गाइस, वीडियो आपको पसंद आई है नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या क्या मैं क्या क्या चीज़ें नए वीडियोस में लेकर के आती रहूँ वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे थोड़ा सा सजेशन देना, थोड़ा बहुत सजेस्ट करने कि हाँ ये वीडियो लेके आना चाहिए आपको या ये वीडियो लेके आना चाहिए आपको या कोई भी चैलेंजेस वीडियोज़ इफ़ यू वॉन्ट, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम आई डी मैंने यहाँ पर मैंशन करके रखा है, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। सो अभी के लिए बस इतना ही। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट, स्टे सेफ, बी हैप्पी, स्टे एट होम। गुड बाय।